जिस तरह से नींबू के दामों में बाजार में उछाल देखा जा सकता है, ठीक उसी तरह आलू पर भी लग सकता है महंगाई का तड़का। क्या है पूरा मामला, इस खबर के जरिए समझिए। जी हाँ, गर्मी से राहत और विटामिन सी का अच्छा स्रोत माने जाने वाले नींबू के भाव में बेतहाशा तेजी आ गई है। इस वजह से सलाद, शिकंजी व अन्य पेय पदार्थों में इस्तेमाल होने वाला नींबू बाजार से गायब हो गया है। दर्जन व किलो के भाव से नींबू खरीदने वाले लोग अब 10 से 12 रुपये प्रति पीस के हिसाब से नींबू खरीद रहे हैं। गर्मी में राहत दिलाने वाला नींबू बाजार से गायब है तो आलू व्यवसायी का मानना है कि आने वाले दिनों में आलू का जायका भी बिगाड़ सकता है। अभी आलू 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, आने वाले दिनों में आलू की कीमत 40 से 50 रुपये तक पहुँच सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के वजह से बीते वर्ष बंगाल में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। आलू की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उत्तर प्रदेश से आयात होकर आ रहे आलू के वजह से बाजार में सामान्य भाव में आलू बिक रहा है, लेकिन यह सिलसिला अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं। आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। वर्तमान में आलू की मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब से आलू आयात किया जा रहा है। पहले बंगाल आलू का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। हालांकि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयानों में साफ किया है कि राज्य में आलू का पर्याप्त भंडार है, आलू की कीमतों में उछाल नहीं आएगा, अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पड़ोसी राज्य उड़ीसा में आलू की कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया है, यह चिंता का विषय है। क्या नाम है आपका? राजेश साहब। क्या करते हैं? जी सब्जी बेचते हैं। क्या आलू का दाम बढ़ेगा? जी अभी और बढ़ेगा। अभी क्या वजह है इसकी? बारिश जो इतना नवंबर दिसंबर में, इसकी वजह से आलू का फसल खराब हो गया है। इसके वजह से तो यूपी बिहार का आलू आ रहा है तो कुछ राहत है। बंगाल का तो आलू बाहर नहीं जा रहा है? नहीं, बाहर से आलू यहाँ अभी आ रहा है। बाहर से आ रहा है? यूपी और बिहार का आलू यहाँ आ रहा है। यहाँ आलू का पैदावार खराब हुआ कम है। हाँ, आने वाले समय में ये भाव कितना तक पहुँचा? 40 तक जा सकता है। 40 तक यूपी का आलू अगर आना बंद हो गया तभी दाम बढ़ जाएगा। आलू का दाम बढ़ने वाला है क्या? क्या कारण है आलू का दाम बढ़ने का? ये तो पता नहीं, आलू कम हुआ था जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। तो यहाँ का आलू बाहर भी जा रहा है कि नहीं, ये तो पता नहीं। क्या नाम है आपका? राहुल साहब।